पुलिस थाना अंतर्गत पुराने विवाद के चलते आसिफ खान को चाकू से मारकर और बाद में उसके सर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। नागपुर के पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी और मृतक का बहुत समय से झगड़ा चल रहा था, जिसमें पुराने विवाद के चलते आरोपी ने आसिफ खान पर चाकू से हमला किया और उसे सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी और मृतक का 2 साल पुराना झगड़ा था। एक शादी में भी उनकी अनबन हुई थी, इसके चलते आरोपी ने आसिफ खान को मौत के घाट उतार दिया है। मृतक वैशाली नगर स्कूल में चपरासी का काम करता था। इस मामले में आरोपी ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पाचपावली पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना ये हुई, हमारे भांजे को मारा गया ड्यूटी पे जाते समय। सिक्योरिटी में काम करता हूँ। झगड़ा था उनका, ऐसी बस्ती का जो झगड़ा होता है, बस वही झगड़े में ड्यूटी स्कूल सामने की जो स्कूल है वहाँ पुराना झगड़ा है। पाचपावली थाने में कंप्लेंट है उसकी, कंप्रोमाइज किया उसने, कंप्रोमाइज किया उसके बाद में फिर अभी ये किया। सदर घटनेतील आरोपी दीक्षित भगवान जनबंधू वय 38 वर्षे, राहणार वैशाली नगर कॉर्पोरेशन शाळेजवळ बाबा बुद्ध नगर इथे तो राहायचा आहे। तो मॅक्सी चालक आहे। त्याच्या पत्नीसोबत यातील जो मृतक आहे त्याचे अनैतिक संबंध होते, त्याच्याच अनुषंगाने यापूर्वी त्यांचं भांडण होऊन यातील आरोपीवर 324 गुन्हासुद्धा दाखल झालेला होता। यातील जो मृतक आहे आसिफ अहमद खान हा सिक्युरिटी गार्डची नोकरी करतो आणि याला वारंवार आरोपीने समजावल्यानंतर सुद्धा तो त्याच्या पत्नीचा पिछा सोडत नव्हता। त्याच कारणावरून त्यांच्यामध्ये आज सकाळी 10 वाजताच्या दरम्यान वाद झाला आणि यातील आरोपीने मृतकाच्या डोळ्यामध्ये तिखट टाकून त्याला दगडाने ठेचून मारलेला आहे। आरोपीला अरेस्ट करण्यात आलेली आहे आणि बाकीचा तपास गुन्हा दाखल करून आम्ही करीत आहोत। त्याच्या अनुषंगाने आम्ही अधिक तपास करत आहोत। आता नेमकं ही जी घटना घडलेली आहे त्याच्या अनुषंगाने जी महत्त्वाची कारवाई ती आम्ही करण्यात व्यस्त आहोत। नेमकं किती वर्षापासून यांचे प्रेमसंबंध होते, त्याला मुलीचं म्हणजे त्याच्या आरोपीच्या पत्नीचं पण सहकार्य होतं किंवा कसे, तसेच इतर काही त्याला अँगल्स आहेत का याच्या अनुषंगाने, अजून कोण आरोपी इतर होते का याच्या पण अनुषंगाने आम्ही तपास करीत आहोत। आरोपीवर यापूर्वी 380 म्हणजे चोरीचा एक गुन्हा दाखल आहे, 324 एक गुन्हा दाखल आहे आणि 293, 506 असे 3 गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत। मृतकावर अजून गुन्हे दाखल आहे की नाही याबद्दल अजून माहिती घेत आहोत। VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदही चव्हाण की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।